हम तो डूबी सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। पिछले दिनों पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। अब भी पूरे देश में इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस हमले को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में बेहुदा बयान देने के कारण नवजोत सिंह सिद्धू की लोगों ने खूब आलोचना की। इसके बाद कपिल शर्मा शो की टीम ने उन्हें बाहर कर दिया, जिसके बाद जल्दबाजी में सिद्धू की जगह अर्चना पूरन सिंह को कुछ एपिसोड के लिए इस शो में बुलाया गया है। वहीं अब नई खबर यह सामने आ रही है कि कपिल शर्मा ने सिद्धू का सपोर्ट कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कपिल द्वारा सिद्धू का समर्थन करने के बाद से ही सोशल मीडिया पर बॉयकट कपिल शर्मा ट्रेंड करने लग गया है। दरअसल कपिल शर्मा चंडीगढ़ एक इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक टीवी चैनल से हुई बातचीत के दौरान सिद्धू का बचाव करते हुए यह कह दिया कि इन चीजों का कोई ठोस हल निकलना चाहिए और किसी को बैन करना कोई हल नहीं। बस फिर क्या था, अब कपिल अपने ही इस बयान के कारण एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोगों की आलोचनाओं के शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। कपिल के इस बयान के कारण सोशल मीडिया पर लोग काफी गुस्से में हैं और वे बॉयकट कपिल शर्मा का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।